राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान में आज 13 जिलों में है बारिश का अलर्ट। जैसलमेर और बाड़मेर से मानसून की विदाई हुई है शुरू। राजस्थान में कल जो है तेज बारिश हुई, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। आज जैसलमेर और बाड़मेर कुछ हिस्सों में मानसून की विदाई शुरू हो गई है। वहीं कल से जो है अगले 3-4 दिन तक राज्य में अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। वहीं राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में कल देर शाम जो है तूफानी बारिश देखने को मिली। हनुमानगढ़ में कई जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। वहीं तेज बरसात से कई जगहों पर पानी भर गया और हनुमानगढ़ के अलावा गंगानगर, चूरू, बीकानेर में भी ऐसा ही मौसम रहा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज जो है 13 से ज्यादा जिलों में बरसात होने के आसार है। इसके बाद राज्य में मौसम साफ होने लगेगा। संभावना है कि जो परिस्थितियां बन रही है उसे 1-2 दिनों बाद जो है मानसून की विदाई शुरू हो जाए। वही पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट देखें तो अलवर, बारा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर, राजसमंद जिलों में कुछ जगहों पर अच्छी बारिश हुई है। हनुमानगढ़ के फेफाना इलाके में सबसे ज्यादा 68 mm बारिश पिछले 24 घंटों में हुई है। जिले के पुलू इलाके में भी 55 mm पानी बरसा है। वहीं जयपुर में कल जो है देर शाम जो है सांगानेर एरिया में अच्छी बारिश हुई है। प्रतापनगर में सांगानेर में यहां पर अच्छी बरसात हुई। इससे पहले जयपुर में कल दोपहर तक आसमान में बादल छाए रहे, हल्की रुक रुक कर बारिश होती रही। वहीं दोपहर बाद जो है मौसम साफ हुआ और हल्की धूप निकली, लेकिन सूरज ढलने के बाद वापस आसमान बादलों से ढक गया और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। वहीं जयपुर मौसम विभाग केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी हिस्सों में अब हवा की दिशा बदलने लगी है। नॉर्थ वेस्ट दिशा से हवा का बहाव शुरू हो गया है, जो मानसून की विदाई की कंडीशन के लिए अनुकूल है। संभावना है कि आज से प्रदेश में मानसून की विदाई शुरू हो सकती है। राज्य के पश्चिम के कुछ हिस्सों में मानसून जा सकता है। वहीं मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने आज अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर और भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, यानी इन इलाकों में यहाँ पर दौसा और डूंगरपुर, जयपुर और राजसमंद, सीकर, उदयपुर में कई कई मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है और कुछ इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं अब तक की बारिश की स्थिति को अगर देखें तो 14 फीसद ज्यादा बरसात हो चुकी है। जून से अब तक टोटल जो है 430 mm बारिश होती है, लेकिन इस पर 491 mm हो चुकी है। वही जिलेवार स्थिति देखें तो हनुमानगढ़, बारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और झालावाड़, कोटा में ऐसे जिले हैं जहां पर सामान्य से इस बार कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। वही मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक राजस्थान के कुछ जिले ऐसे जहां पर सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश हुई है। पश्चिमी राजस्थान के कई जिले ऐसे जहां पर इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर इस बार सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। इस बार मानसून में सामान्य से कम बारिश जो है पूर्वी राजस्थान के जिलों में ज्यादा दर्ज की गई है। वह चित्तौड़गढ़ में कल 48 घंटों में 19 mm बारिश हुई, बड़ी सादरी में सबसे ज्यादा बरसात कई यहाँ पर हुई है। दरअसल बीते 2 दिनों से बारिश जो है चित्तौड़गढ़ में हो रही है। इन दिनों जो है सबसे ज्यादा बारिश बड़ी सादरी इलाके में हुई है, वहां पर 48 घंटों में 73 mm बारिश हुई है। उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र में आने वाले बड़गांव बांध भी जो है वो ओवरफ्लो हो गया है। वह चित्तौड़गढ़ शहर में भी यहां पर 2 दिनों के अंदर 19 mm बारिश हुई है। बेगू क्षेत्र में पूरी तरह से सूखा साबित हुआ है। इसके अलावा कपासना इलाका जो है, निमाहेड़ा और भैंस रोडगढ़ और अस्सी में मामूली बरसात दर्ज की गई है। बारिश के बावजूद भी गर्मी और उमस से लोग जो है उनको राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों के लिए अलर्ट जो है वो जारी किया है। Thank you.